हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। मैं डॉक्टर वर्मा आज आपको आपकी हेयर फॉल के प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी, यानी कि आपकी जो बाल झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ है, बाल अच्छे नहीं है, बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और हम लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनका समाधान मैं आज आपको दो तरीक़ों से बताऊँगी, पहला आयुर्वेद के द्वारा, दूसरा एक्यूप्रेशर के द्वारा। देखिए, सबसे पहले मैं एक्यूप्रेशर बताती हूँ आपको कि आपको माइंड से रिलेटेड यानी आपके दिमाग से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये जो टिप ऑफ द फिंगर है वो है टिप ऑफ द फिंगर। देखिए, इसमें भी टिप ऑफ द फिंगर में भी जो हमारा ये उठा हुआ भाग होता है, देखिए ये जो हमारा ये उठा हुआ भाग होता है, इस पर हम प्रेस करेंगे, इन पे हम प्रेस करेंगे जो हमारे टिप ऑफ द फिंगर का उठा हुआ भाग होता है उस पे, किसी भी चीज़ से इसको प्रेस कीजिए, हाथ से प्रेस कीजिए, तो आपके बालों बाल झड़ने की परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा आयुर्वेदिक मेडिसिन, देखिए घरेलू नुस्खे बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक नुस्खा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप भृंगराज पाउडर और त्रिफला का पानी अपने सर में लगाइए। दूसरा देखिए आयुर्वेद, अब मैं आपको आयुर्वेद बताऊंगी। आयुर्वेद में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप अपना सर की मसाज करेंगे किसी भी अच्छे चिकनाई वाले तेल से। चिकनाई वाले तेल से इसलिए करनी है कि जब तक हमारे सर में चिकनाई नहीं पहुंचेगी तो हमारे बालों की जड़ मजबूत नहीं होंगे और हमारे बाल ऐसे ही झड़ते रहेंगे। तो आप रात के टाइम में किसी भी अच्छे तेल से सर पे मसाज कीजिए। उसके बाद सवेरे उठते हैं जब आप, तो दही और मेथी पाउडर, मेथी कौन सी, पीली मेथी जो हम अक्सर अपने किचन में रखते हैं, उन दोनों का पेस्ट बना लीजिए, मेथी को पीस लीजिए दही में मिला के, और उससे सर पे आप मसाज कीजिए और करीब करीब आधे घंटे तक उसे अपने सर में लगाए रखिए। उससे क्या होगी, आपकी डैंड्रफ ख़त्म होगी, आपके बाल स्मूद होंगे, तीसरा आपके बाल झड़ने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आधे पौने घंटे तक आपने लगा के रख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सर धो लेंगे। सर धोने के बाद आप जिस टाइम आपका सर धुल जाता है उसके तुरंत बाद आप चाय पत्ती का पानी अपने सर पे डालिए। चाय पत्ती का पानी किस तरह से बनाते हैं ये भी मैं आपको आज बताती हूँ। चाय पत्ती का पानी हम बनाएंगे, एक गिलास पानी ले लेंगे, उसमें एक चम्मच चाय की पत्ती डाल के उसको उबाल लेंगे, और उबालने के बाद उसे छान के ठंडा करके लास्ट पानी के रूप में आप उसको अपने सर पे डालेंगे। उससे क्या होगा कि आपके बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे। आज मैंने आपको आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर दोनों चीज़ें बता दी, इससे काफ़ी हद तक आपके बालों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर आपके बालों की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है तो आपके पेट में परेशानी है। क्यों? क्योंकि शरीर में जब हमें कहीं पर भी कोई भी परेशानी होती है तो उसका मुख्य कारण होता है पेट में गड़बड़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पेट को किस प्रकार सही रख सकते हैं जिससे कि आप अनेकों बीमारियों से बच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।